इवनिंग स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं नंबर 11th फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है ये। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है शैल विल प्लस हैव। हैव ही होता हैव लगता है हरदम, है ना? ना हैज लगता है, ना हैड लगता है, सिर्फ हैव। शैल विल हैव, ठीक है। इसका मेन वर्ब, इसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिए, शैल विल के बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की। आप जानते हो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऑक्सिलरीज जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है, को आगे निकाल करके। तो इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो गया? इंटरोगेटिव हो गया, शैल विल आगे निकाल दिया हमने, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाओगे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब इस टेंस में होता क्या है, सिर्फ एक शब्द में समझ लीजिए आप। इस टेंस में आप ये इमेजिन करते हो, ये आप अपने मन में सोचते हो कि कोई काम फ्यूचर में किसी डेफिनेट टाइम तक, किसी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम तक, किसी निश्चित समय तक कंप्लीट हो चुका होगा। क्या सोचते हो आप कि फ्यूचर में कोई एक्शन किसी निश्चित समय तक कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब उसका कंप्लीट होने का भी इसमें मेंशन होता है। कहने का मतलब, जैसे मैं कहूं कि मैं टेंसेस की वीडियो 28 अगस्त तक कंप्लीट कर चुका हूंगा, तो मैंने क्या बताया? 28 अगस्त तक, ऐसे होता है हिंदी के अंदर, तक आता है हिंदी के अंदर। कौन सा वर्ड आता है तक बोलने में, है ना? जैसे मान लो मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूं या फिर कोई स्टोरी बुक लिख रहा हूं, मैं कहूं कि मैं 25 सितंबर तक मेरी स्टोरी बुक को कंप्लीट कर चुका हूंगा, तो मैंने एक डेफिनेट टाइम बता दिया फ्यूचर का, 25 जून है वो या सितंबर है, जो भी है। जैसे मैं कहूं 2021 तक कोरोना वायरस कम्प्लीटली क्या हो चुका होगा? मिट चुका होगा। तो एक आपने एक टाइम बताया कि 2021 तक, तो एक एक टाइम होता है फ्यूचर में कि उस टाइम तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, और हिंदी में उसके लिए तक शब्द आता है, तक। जैसे मैं कहूँ कि मैं आज रात तक मेरे सारे जो लेसन्स हैं पढ़ने के, मैं उनको रिवाइज कर चुका हूँगा। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आप कहो कि मैं जितनी भी इंग्लिश की वीडियोस हैं उनको 5 दिन के अंदर तक देख चुका होऊंगा, या आप कहो कि मैं इतने तारीख तक देख चुका होऊंगा, है ना? जैसे आप कहो कि मैं संडे तक मेरा पूरा जो होमवर्क मिला है उसको कर चुका होऊंगा, तो आप एक टाइम बताते हो कि किस समय तक।
तो हिंदी में तक होता है और इंग्लिश में वो ध्यान रखना, इंग्लिश में चलता है वो बाई प्लस टाइम के साथ, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ध्यान रखना बच्चों, बाई के साथ इसको जोड़ा जाता है, बाई प्लस टाइम, ये ध्यान रखना, किसके साथ, बाई प्लस टाइम के साथ, जैसे बाई संडे, बाई टुमारो, बाई 5 PM, मैं कहूँ ना 5 बजे तक, तो बाई 5 PM, मैं कहूँ अगले रविवार तक, तो मैं कहूँगा बाई नेक्स्ट संडे, मैं कहूँ इस महीने के अंत तक, बाई एंड ऑफ दिस मंथ, मैं कहूँ 2025 तक, आदमी मून पर प्लॉट ले चुका होगा, तो बाई 2025, तो बाई जो वर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी पहचान है टेंस की, है ना, समझ में आया। अब बात कर लेते हैं इसके हिंदी पहचान की, कि हिंदी में क्या मिलता है, ये आपके सामने इंग्लिश स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, देखिए। तो स्टूडेंट्स, हिंदी पहचान मैंने लिख दी, वैसे काम की नहीं होती, बार बार बता रहा हूं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ई होंगे का साउंड आता है, आ होगा, ई होगी, ई होंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है, मैं जनवरी के अंत तक मेरी पुस्तकों का दोहरान कर चुका होऊंगा। तो देखो, इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो है जनवरी के अंत तक, ये टाइम ज़रूर मिलेगा आपको, ये टाइम ही तो हमें फ्यूचर परफेक्ट बताता है, कि फ्यूचर में किस टाइम तक काम कंप्लीट कर चुके होंगे आप लोग। वह अगले रविवार तक, इसमें तक नहीं लिखा मैंने, अगले रविवार तक, ये रहा देखो, तो ये टाइम ही इंपॉर्टेंट है, इसको बाई से इंडिकेट करेंगे, बाई से, तो देखो बनाते हैं इनको, तो मैं क्या हो जाएगा, आई, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म दोहरान करने क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड, है ना, आई शैल हैव रिवाइज्ड माय बुक्स। अब बाय से जुड़ेगा, बाय द एंड ऑफ जनवरी, ये बनेगा, आई शैल हैव रिवाइज्ड माय बुक्स बाय द एंड ऑफ जनवरी। दूसरा देखते हैं, वह अगले रविवार तक अपना प्रोजेक्ट तैयार कर चुका होगा, तो ही क्या लगेगा, विल, फिर क्या लगेगा, हैव, तैयार करने की क्या होती है, प्रिपेयर, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्रिपेयर्ड हिज प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट संडे। इस तरह से ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ही विल हैव प्रिपेयर्ड हिज प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट संडे। अब इसकी एडवर्बियल्स पढ़ लो, एक यूज पढ़ लो, यूज पढ़ने की जरूरत है नहीं, एडवर्बियल्स ही पढ़ लेते हैं, यूज लिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो एडवर्बियल्स देखते हैं इसकी क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं, यूज भी लिख देता हूं। तो देखिए इसका एक यूज है, यूज पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, इवेंट और स्टेट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसी एक्टिविटी को, क्रियाविधि को, एक ऐसे कार्य को, एक ऐसी अवस्था को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है, डेट विल बी कंप्लीटेड, जो कि पूरी हो चुकी होगी, बाय ए सर्टन टाइम ऑफ, सर्टन पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम, जो कि एक निश्चित समय अवधि तक, फ्यूचर की जो एक्टिविटी, जो इवेंट, जो स्टेट, किसी फ्यूचर की निश्चित समय अवधि तक पूरी हो चुकी होगी, ऐसी एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में किसी निश्चित टाइम तक कंप्लीट हो चुकी होगी, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसकी कुछ एडवर्बियल्स हैं, मेन वो आप देख लीजिए,
देखिए इसके एडवर्बियल्स है बाय टुमारो, ध्यान रखना टुमारो नहीं है सिर्फ, टुमारो सिंपल फ्यूचर की है नवे टेंस की, नाइन्थ टेंस की, बाय लग रहा है आगे, बाय 2025, बाय नेक्स्ट, अब बाय नेक्स्ट के साथ कुछ भी हो, डे वीक मंथ संडे जनवरी, बाय एंड ऑफ दिस मंथ, ये अलग हो गई यहाँ से, बाय एंड ऑफ दिस मंथ ईयर बाय 5 o'clock, इस तरह से बहुत हैं इसकी, बाय के साथ टाइम होना चाहिए, कहने का मतलब मैं आपको लिख देता हूँ बाय प्लस फ्यूचर टाइम, एक ही वर्ड से समझ में आ जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है बाय प्लस फ्यूचर टाइम, ठीक है। दो एग्जांपल देखो मैंने आधे रखे हैं, फिर और अभी बताएंगे आपको। तो बाय एंड ऑफ द ईयर 5000 पीपल सी दिस एग्जीबिशन, तो बाय एंड ऑफ द ईयर इस साल के अंत तक 5000 लोग इस प्रदर्शनी को देख चुके होंगे, तो आपका एक निश्चित पॉइंट क्या है, सर्टेन पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम बताया ना, ये है इस साल का अंत, तो आप बता रहे हो इस साल के अंत तक 5000 लोग इस एग्जीबिशन प्रदर्शनी, एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शनी को देख चुके होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट आप फिल करेंगे इसको देख करके, किसको देख करके, बाय द एंड ऑफ द ईयर को देख करके, है ना। तो क्या भर दो, विल आता है इसमें, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म सी का क्या हो जाएगा, सीन, विल हैव सीन, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। सेकंड एग्जांपल, शी प्लांट ए ट्री, प्लांट का मतलब होता है लगाना, रोपण करना, बाय टुमारो, वो कल तक एक पेड़ लगा चुकी होगी, तो डेफिनेट टाइम बताया गया है कल तक, फ्यूचर परफेक्ट वर्ब क्या जाएगा, विल हैव, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लांटेड, क्या हो जाएगा, विल हैव प्लांटेड, समझ में आ रहा होगा आपको। दो तीन एग्जांपल और देख लेते हैं, देखिए दो एग्जांपल और हैं, आई फिनिश दिस बुक बाय टुमारो मॉर्निंग, तो ये एडवर्बियल है बाय टुमारो मॉर्निंग, फ्यूचर परफेक्ट की है, क्या भर दो, शैल भर दो, हैव और थर्ड फॉर्म आएगा शैल हैव फिनिश्ड, आई के अकॉर्डिंग शैल लगाया, हैव फिनिश्ड, आपको प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होनी चाहिए। अब ये थोड़ा अलग है, बाय द टाइम वी रीच द पार्टी, जिस समय हम पार्टी तक पहुंचेंगे, ये डेफिनेट टाइम बताया गया है, जिस समय हम पार्टी में पहुंचेंगे, द डिनर स्टार्ट, तो डिनर स्टार्ट हो चुका होगा, मतलब आपने एक टाइम बताया कि जब हम पहुंचेंगे उस समय तक डिनर स्टार्ट हो चुका होगा, यानी काम शुरू हो चुका होगा, है ना। तो क्या बताया, क्या आएगा, विल हैव स्टार्टेड। चलो मैं आपको रूल बता देता हूं, इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो नोट कर लेना बच्चों, रूल देखो, रूल है स्पेशल आपके लिए बना दिया है ये, समझो रूल, बाय द टाइम अगर सेंटेंस में आए, ध्यान रखना क्या आए बच्चों, बाय द टाइम, अगर बाय द टाइम के साथ फर्स्ट फॉर्म हो और एक सेकंड फॉर्म हो, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, ध्यान से सुनना, बाय द टाइम आए जैसे इसमें आया बाय द टाइम, और फर्स्ट फॉर्म हो जिसमें इसमें आई फर्स्ट फॉर्म रीच, और या फिर सेकंड फॉर्म हो, दोनों में से कोई एक होगी डेफिनेटली, अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो आप भर दो विल शैल विल हैव थर्ड फॉर्म, और अगर सेकंड फॉर्म आए तो भर दो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट भर दो, ये है क्लियर, समझ लो इस रूल को, समझ लो, ठीक है। नीचे से मिटा दूं और जिससे आपको आसानी से समझ में आए, समझ लो आप इस बात को, है ना, अगर सेंटेंस में बाय द टाइम आए तो उसके साथ दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या सेकंड फॉर्म होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म होगा तो शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री भरना है आपको दूसरे सेंटेंस में, और अगर वी टू होगा तो दूसरे सेंटेंस में हैड प्लस वी थर्ड भरना है। जैसे यही वाला सेंटेंस है, बाय द टाइम वी रीच, अब देखिए रीच क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
तो आपने भरा ना विल हैव स्टार्टेड। मान लो यहां सेकंड फॉर्म कर दूं मैं, सपोज करो रीच्ड कर दूं, अब ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा नीचे वाला, तो आंसर पता है क्या होगा, आंसर हो जाता हैड स्टार्टेड। फिर आंसर क्या हो जाता हैड स्टार्टेड, फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान से और सोच समझने की बातें हैं, ठीक है, केवल मैंने आपको करके बताया है। तो दो रूल क्लियर हो गए। एक रूल और समझ लो इसी टेंस का, यदि सेंटेंस में बिफोर हो, बिफोर क्या हो सेंटेंस में, बिफोर बीच में है ना, बिफोर यानी दो सेंटेंस कनेक्टेड हो, बिफोर से दो सेंटेंस कनेक्टेड हो, और बिफोर के बाद हो सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ रहे हो ना आप, सब समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो एस या ई एस। तो इससे पहले वाले वाक्य में ये दूसरा, ये रूल फर्स्ट है, ये रूल सेकंड है, तो इससे पहले वाले वाक्य में भी फ्यूचर परफेक्ट आएगा, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझ गए। बिफोर से अगर दो सेंटेंस कनेक्टेड हैं, तो यदि बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में यानी बिफोर से जो सेंटेंस कनेक्टेड होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या यस होगा, और बिफोर से पहले वाले में फ्यूचर परफेक्ट होगा यानी शैल विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसके हम एक एग्जाम्पल आपके सामने अभी दिखाते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, ही ब्लैंक लर्न हिज लेसन बिफोर हिज टीचर कम्स। दिख रहा है ना आपको स्टूडेंट्स, ही लर्न हिज लेसन बिफोर हिज टीचर कम्स। देखिए तो दो सेंटेंस हैं, बिफोर से कनेक्टेड है, बिफोर से है ना, बिफोर से कनेक्टेड। अब देखिए एक सेंटेंस बिफोर के बाद है, जो देखिए किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में, हिज टीचर कम्स, देखिए वी वन में एस या एस लग गया, देख रहे हो तो आप वी वन में एस या एस लग गया, उसके टीचर के आने से पहले ये एक डेफिनेट टाइम हो गया, वह अपना लेसन लर्न कर चुका होगा, तो ये भी एक डेफिनेट टाइम है, ये पूरा डेफिनेट टाइम हो गया, मैंने बताया था ना इसका यूज, डेफिनेट टाइम तक आप उस काम को कर लोगे, तो उसके टीचर के आने से पहले ही वो अपना लेसन क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा, तो इस वाले में क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट क्या जाएगा, विल हैव लर्न, ये आंसर हो गया। तो इसके दो तीन रूल मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं फ्यूचर परफेक्ट के, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ ये टेंस समाप्त होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सिर्फ मैं आपको ऑक्सिलरीज बताऊंगा, वो हमारे कोई काम का टेंस नहीं है। तो लास्ट टेंस है बोर्ड की एग्जाम से, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्पिंग और नॉट कर लेते हैं, बस आपको पता होना चाहिए क्या आता है, क्या आता है, शैल, सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब है इसकी, हैव प्लस बीन, और मेन वर्ब में क्या लगता है, आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। स्ट्रक्चर बनाइए आप, क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल आसान है बनाना, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बस हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, शैल विल हैव प्लस बिन प्लस वी वन में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, जरूर थोड़ी हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, मैंने लिख दिया कहीं नहीं लिखा है, सिंस फोर प्लस टाइम इसमें मिलेगा आपको, ध्यान रखना सिंस फोर प्लस टाइम यानी सिंस फोर के साथ जो क्लोजेज हैं फ्रेजेज हैं वो इसमें भी मिलेंगे आपको। नेगेटिव लिख लो, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सब्जेक्ट
प्लस शैल, विल, प्लस नॉट, प्लस हैव, प्लस बिन, प्लस वी वन, एज इट इज कॉपी हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फोर, प्लस टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। अब इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव होगा क्या होगा, इंटरोगेटिव शैल विल आगे निकाल दो, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड से बनाओगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो आगे, एज इट इज कॉपी हो जाएगा ये ऊपर वाला। ये इसके क्या हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, है ना। और बात करें हिंदी की पहचान की, अगर आप हिंदी की पहचान की बात करो तो लिख देता हूँ, जरूरत है नहीं वैसे, वो ये रहा होगा, टाइम आएगा ध्यान रखना, सिंस फोर लग गया ना, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, ये आपकी हिंदी की पहचान मिलेगी, है ना। मतलब इस टेंस में होता क्या है कि आप फ्यूचर में इमेजिन करते हो कि किसी समय तक आपको किसी काम को करते करते इतना समय हो गया होगा, किसी समय तक, है ना। जैसे मैं कहूँ कि, है ना, जैसे मैं कहूँ कि अगले सप्ताह के अंत तक, अगले सप्ताह के अंत तक, जैसे ये सप्ताह है, अगले सप्ताह के अंत तक मुझे वीडियो बनाते बनाते, मुझे वीडियो बनाते बनाते 4 सप्ताह हो गए होंगे, या मैं 4 महीनों से वीडियो बना रहा हूँगा, अगले सप्ताह तक मैं 4 महीनों से वीडियो बना रहा हूँगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2021 में, टाइम बता दिया मैंने, काम कंटिन्यू रहता है उस समय तक, 2021 में मैं केशवानंद में 8 साल तक, 8 साल से पढ़ा रहा हूँगा, 8 साल से पढ़ा रहा हूँगा 2021 में, तो 2021 एक डेफिनेट टाइम हो गया, और उसमें मतलब मैं उस समय तक मैं बता रहा हूँ कि मेरा काम जारी रहेगा और उसे आगे भी जारी रह सकता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ बात इसमें है नहीं, बाकी आप स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखिए, और 10th बोर्ड के सिलेबस में तो ये है भी नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना लें, ये तो मैंने आपको फिर भी लिखा दिए हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस महीने के अंत तक मैं 6 महीनों से संगीत सीख रहा हूँगा, तो इस महीने के अंत तक बाय एंड ऑफ दिस मंथ, बाय एंड ऑफ दिस मंथ मैं, आई शैल हैव बीन, होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन, वर्ब में आई एन जी आएगा तो सीखने की, लर्न लर्निंग म्यूजिक, 6 महीने से, 6 महीने से, 4 6 months, 4 लगेगा, जानते हो आप सिंस 4 में से 4 कहाँ लगता है, तो बाय एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक 4 6 months। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बस इतना सा डिफरेंस है, ध्यान से सुन लें, फ्यूचर परफेक्ट में किसी निश्चित समय तक जो आपका कार्य है, जो एक्शन है, वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो कंप्लीटनेस को दिखाता है, कहने का मतलब है ना, कंप्लीशन दिखाता है, पूरा हो जाता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में काम कंप्लीट नहीं होता उस निश्चित समय तक, फ्यूचर के उस निश्चित समय तक कंप्लीट नहीं होता, उस समय तक जारी रहता है और उस समय के बाद भी वो आगे तक जारी रहेगा,
है ना, जैसे मैं कहता कि इस महीने के अंत तक मैं संगीत सीख चुका होऊंगा, तो ये काम कंप्लीट हो गया संगीत सीखने का महीने के अंत तक। लेकिन महीने के अंत तक 6 महीने से सीख रहा है वो, हो सकता है महीने के अंत तक 6 महीने हो गए हैं और आगे भी इस महीने के अंत के बाद भी वो सीखता रहे। तो ये कंटिन्यूटी पर जोर डालता है, कंटिन्यूटी पर। और जबकि फ्यूचर परफेक्ट